देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी मर चल रहे हैं, क्या करें, बिचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। हापुड़ में बीजेपी विधायक की भारी बेइज्जती हुई। ढोलपुर गांव में बीजेपी विधायक का ढोल जनता ने बनाया। बीजेपी विधायक कमल सिंह को नाले में क्यों घसीटा गया? बीजेपी विधायक कमल सिंह नाले में इतने मासूम लग रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कहीं दूर की नहीं बल्कि लखनऊ से महज 560 किलोमीटर दूर जिला हापुड़ की है। ये कोई नक्सली नहीं है बल्कि विधायक को वोट देने वाली जनता है। बीजेपी विधायक कमल सिंह वैसे तो ये कहते हैं इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन जनता ने इन्हें नाले में उतार दिया। क्या आप अपने विधायक से ऐसी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं? जनता से जो वादा विधायक ने किए थे वो पूरे नहीं हुए। जनता नाराज हुई तो विधायक जी नाले में थे और विधायक के रसूख का कचूमर जनता ने बना दिया। 5 साल के विकास पे बीजेपी को जो नाज है उसकी असली तस्वीर यहाँ पे बिल्कुल साफ है। विधायक को जनता ने घेरा, पकड़ा, फिर धमकाया और नाले में चलाया। ये सब अपने यूपी में ही हो सकता है। विधायक जी जब नाले में जा रहे थे तब वीडियो बनाने वाले ने गजब की कॉमेंट्री की है, सुनिए। देखिए विधायक जी हैं यहाँ पर और पानी मर चल रहे हैं, क्या करें, बिचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। अब आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। कहानी नंबर 1, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के विधायक कमल सिंह पर आरोप है कि विकास का पैसा खा गए, ना सड़क बनी ना नाली। बारिश के बाद सड़क नाली बन गई तो विधायक को जनता ने उतार दिया। अब जब बेइज्जती हो गई तो विधायक जी ने ये बात बदल दी और नई कहानी बना दी। नई कहानी के मुताबिक विधायक जी तो खुद पानी में उतरे थे, नाले में जाते वक्त उन्हें प्राउड हुआ। मीडिया ने तो बात का बतंगड़ बना दिया। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता कूटे तब भी बयान दूंगा, जनता ने मसाज किया है। लेने जा रहे हैं, मैं स्वयं ही जा रहा हूँ, वो प्रधानपति हैं। मेरी आजकल सावन का मास है, 25 तारीख से मेरे जो तीर्थ है गढ़मुक्तेश्वर धाम, बड़ा तीर्थ है, उसकी मैं पद यात्रा पर हूँ। जहाँ भी गाँव है उसके शिवालयों को मैं दर्शन करने जाता हूँ। वहां भी मेरा जोरदार स्वागत हुआ गांव ने किया। तो एक शिवालय को हम जा रहे थे तो वहां एक जल भर गया, बरसात के बाद वहां जल भर जाता है, पहली भी समस्या है। प्रधान जी ने कहा क्या दूसरे रास्ते से चलते, मैंने कहा मगर नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। और मैंने वो वीडियो बनवाया जिसे प्रशासन को तुरंत भेज सकूं, क्योंकि पिछले 5 साल में जो प्रधान थे वहां उनसे भी मैंने इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनवाया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। वो नहीं चाहते थे क्या बोले इसमें विधायक जी को कोई श्रेय मिले या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई श्रेय मिले। वो समस्याओं को उन्होंने उसी प्रकार से ऐसे ही रहने दिया। अब जो प्रधान बने वो चुनाव हार गए, अब जो प्रधान आए हैं वो बड़े सकारात्मक है और उन्होंने मेरा जबरदस्त स्वागत किया और इसको समस्या को हल करने के लिए उन्होंने भी कहा और मैंने भी उसका तुरंत प्रशासन में देकर के उसका प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। वीडियो से देखा जा रहा है कि इसमें काफी ज्यादा ग्रामीण आपसे नाराज है, काफी आक्रोश भी है। नहीं, कोई नहीं, वीडियो में कोई है ही नहीं ऐसा जिसमें कोई नाराजगी की बात हो। मात्र प्रधानपति हैं, बाकी लोग पहले ही रुके हुए हैं, वो सब हमारे समर्थन में है और हमारे स्वागत में थे और कोई इस प्रकार का नहीं था। कुछ गलत बताया लोगों ने, नकारात्मक पक्ष दिखा रहे हैं। गांव का नाम था ढोलपुर, बीजेपी विधायक के विकास का ढोल ढोलपुर में फट गया और अब क्या हुआ वो सब आप जान चुके हैं। लेकिन यूपी चुनाव से पहले आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। हम ऐसी तस्वीरों को बढ़ावा देने के लिए आपसे कह तो नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर साफ तौर पे कह सकते हैं कि जनता को सवाल पूछने का हक ज़रूर है और आप भी अपने विधायक से 5 साल में कितने विकास हुए इस पर सवाल ज़रूर पूछिए। नहीं सर, मैं गंदे पानी की बात नहीं है, वो शिवालय पर जल चढ़ाने के लिए गए थे। 5 साल पहले जो प्रधान जी रहे थे उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, गांव वाले उस जल भराव से बहुत परेशान थे, तो मैं उन्हें उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए ले गया, तब वो पानी में निकले थे। उन्होंने भी मैं मेरी वीडियो बनाओ, मैं साथ में था उनके साथ। आप था हाथ पकड़ के ले जा रहे थे? नहीं जी, उन्होंने विधायक जी ने कही कि आप मेरी वीडियो इस पानी में कर बनाओ, उन्होंने ही ये बात कही थी। मैंने उनसे उनका ना मैंने हाथ पकड़ा ना कुछ नहीं, हाथ पकड़ा। गांव के लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है, क्या ऐसा कोई मामला है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, उनका भव्य स्वागत किया गांव वालों ने। गांव वाला बहुत कोई शिकायत नहीं, अभी तक कोई काम क्यों नहीं किया जबकि 4.5 साल से ये विधायक है वहाँ पे? ये पता नहीं जी, अब दूसरी पार्टी का मतलब है, अब प्रधान खिलाफ पार्टी के आदमियों में क्यों काम करेंगे।
बीजेपी में इस बात की तैयारी है ऐसे नकारे विधायकों की टिकट काटे जाएंगे। हापुड़ की जनता जितनी निराश है उतने ही योगी आदित्यनाथ भी हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि सीएम के खास और चुनिंदा शहरों में गढ़मुक्तेश्वर का नाम भी शामिल है, जहां सीएम हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए हर साल लगने वाले मेले की व्यवस्था बेहतर करने में जुटे हैं। इधर अपना भाई विधायक नकारा निकला तो कार्रवाई तो बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।